आखिरकार लाख फजीहत के बाद सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने में लगी। सरकार में बैठे दो बड़े दल आपस में लड़ रहे हैं और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। सरकार को सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए, आम सहमति और राय लेनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरीके से नालंदा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, उसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि सरकार शराबबंदी पर एक अहम फैसला ले सकती है, या यूं हो सकता है कि शराब पीने वाले को जो शराब पीकर पकड़े जाएंगे उन्हें सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। ये बातें सामने आ रही है और अब इसी पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से कई बातें सामने आई और विपक्ष से जो राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि लाख फजीहत होने के बाद आखिरकार सरकार ने सोच ही लिया कि इस पर कुछ फैसला लिया जाए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आप भी सुनिए। आखिरकार लाख फजीहत के बाद सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने में लगी है। जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जाने जा रही थी। अभी ताजा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का है, जहां एक दर्जन से ज्यादा नालंदा में जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने चली गई। जिन्हें शराबबंदी कानून सफल करना था, सरकार में बैठे दो बड़े दल आपस में लड़ रहे हैं और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। आखिरकार सरकार की नींद खुली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी फटकार लगाई थी। आखिर सरकार कितने लोगों की जान लेगी, इसके बाद सरकार की नींद खुली है। तो सरकार को सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए, आम सहमति और राय लेनी चाहिए, इसके बाद प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसका लाभ मिल सके। नहीं तो सरकार सिर्फ जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसका अगर फल नहीं मिला तो फिर वही हश्र होगा, लोग जहरीली शराब पीकर मरते रहेंगे और सरकार प्रस्ताव तैयार करते रह जाएगी। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है मृत्युंजय तिवारी का। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आखिरकार लाख फजीहत होने के बाद सरकार ने सोच ही लिया कि कुछ संशोधन किया जाए, कुछ फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए, शराबबंदी कानून पर आए दिन सवाल उठ ही रहे थे, जैसे शराब तस्करों का पर्दाफाश हो रहा था, जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, इसको लेकर आए दिन सरकार की फजीहत होती ही थी और इसी पर तंज कसते हुए राजद प्रवक्ता ने यहाँ पर कह दिया। और साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है कि इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी लोगों की बातें सुननी चाहिए, तब इसको लेकर फैसला लेनी चाहिए, वरना फिर से वही हाल होगा और लोग जहरीली शराब से मरेंगे। ऐसा मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया कि क्योंकि देखिए, नालंदा में जिस तरीके से गृह जिला ही है नीतीश कुमार का, वहां पर इतने सारे लोगों की मौतें हो गई, हम कह सकते हैं एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है जहरीली शराब पीने से। इसको लेकर सरकार पर कई सवाल उठ रहे थे, शराबबंदी कानून पर कई सवाल उठ रहे थे और उनके ही गठबंधन की ओर से, एनडीए सरकार की ओर से, बीजेपी की बात कर लिया हम की बात करें, कहा जा रहा था कि शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए, इस पर समीक्षा की जाए। और अब यह सामने आ रहा है कि सरकार ने आखिरकार सोच लिया है, मन बना लिया है कि इस पर कुछ बैठक की जाए, बातचीत की जाए, संशोधन किया जाए और कुछ अहम फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए, हालांकि डीटीवी भारत इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि सरकार एक अहम फैसला ले सकती है। और सत्ता पक्ष तो ले रहा है फैसला और विपक्ष साथ साथ ये मांग कर रहा है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। खैर, आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में कुछ इस पर फैसला लिया जाता है और सर्वदलीय बैठक होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।